हिस्ट्री इज नथिंग बट द बायोग्राफी ऑफ ग्रेट एंड ब्रेव पर्सन्स। हिस्ट्री यानी इतिहास, इतिहास और कुछ नहीं है, वो बहादुर और महान लोगों की जीवन गाथा है। आज जो मैंने ये टॉपिक लिया है, ये ट्रांसलेशन के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, इसको सीखना जरूरी है। जिन्होंने शुरुआत की है अभी, जो बिल्कुल कम जानते हैं अंग्रेजी के बारे में, उनके लिए तो ये रामबाण औषधि है, अर्थात बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो इससे अंग्रेजी का स्टेप बाय स्टेप अध्ययन कर सकते हैं, जो मैंने ये ट्रांसलेशन की क्लास शुरू करी है। ये पांचवी वीडियो है मेरी ट्रांसलेशन पर, तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखें। जिन्हें शुरुआत करनी है वो तो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें। ट्रांसलेशन अर्थ है अनुवाद, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करें। सबसे पहले हमें इसमें जो दिक्कत पड़ती है, जो परेशानी आती है हमारी, वो ये आती है कि हमें पर्सन का ही पता नहीं होता। फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, ये नहीं पता पड़ता हमें। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा है, पर्सन क्या है, ये फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है। वास्तव में ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पर्सनल प्रोनाउन, थर्ड पर्सनल प्रोनाउन। अब देखिए कि फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन यानी फर्स्ट पर्सन क्या होता है। मैं इस समय आपसे बातचीत कर रहा हूं, ये मैं फर्स्ट पर्सन, आई और वी दो नामों से इसे बताया जाता है, यानी मैं और हम, आई और वी दो नामों से इसे जाना जाता है। फर्स्ट, फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, मैं और हम, आई और वी। अब मान लिया ये दूसरा व्यक्ति है, ये पैर, मैं इससे बातचीत कर रहा हूं इस समय। दो व्यक्ति हम खड़े हैं, एक ये है और एक मैं हूं। मैं फर्स्ट पर्सन हूं क्योंकि मैं बोल रहा हूं, ये सुन रहा है। ये सेकंड पर्सन है और इसको यू के नाम से जाना जाता है, यानी तुम हिंदी में। और अब हम तीसरे व्यक्ति के बारे में बातचीत कर रहे हैं, मान लिया ये मेरा हाथ तीसरा व्यक्ति है और ये यहां नहीं है, इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो ये थर्ड पर्सन है, तीसरा व्यक्ति है जो यहां नहीं है, उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, ये थर्ड पर्सन है। ही, शी, दे, किसी का भी नाम, तो वो सब थर्ड पर्सन में आती हैं। तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकंड पर्सन किसे कहते हैं और थर्ड पर्सन किसे कहते हैं। ही माने वह, शी लड़कियों के लिए आता है, ही पुरुषों के लिए आता है, दोनों का अर्थ वह है। दे माने वे, और कोई भी नाम हो, मोहन, सोहन, रामू, श्यामू, कुछ भी नाम हो सकता है, वो सब थर्ड पर्सन है क्योंकि उनका नाम ले रहे हैं, सामने होता तो नाम क्यों लेते, तो इसलिए थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये आपको अब समझ में आ गया होगा। अब देखें कि इसका यूज कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, किसके लिए करते हैं। तो दो नंबर हैं, एक तो सिंगुलर नंबर और एक प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर एक वचन को कहते हैं, अर्थात उसमें एक व्यक्ति आता है, एक वचन, कोई भी चीज, व्यक्ति आए, वस्तु आए, एक वचन। और बहुवचन होता है यानी प्लूरल नंबर, तो वो एक से ज्यादा होते हैं, जैसे बॉय एक है, बॉयज बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, तो ज्यादा वाला जो होता है वो प्लूरल होता है। तो मैं इसके बारे में बता दूं, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर ही, शी, इट और बॉय, सिंगुलर एक, प्लूरल आई, मैं प्लूरल नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में प्लूरल इसको मान लिया जाता है, आई जो है वो प्लूरल नहीं है, लेकिन इसको प्रेजेंट टेंस में प्लूरल मान लेते, तो ये आई जो है वो सिंगुलर है, ध्यान रखें, लेकिन प्लूरल की तरह प्रेजेंट टेंस में मान लिया जाता है। हम कई हैं, हम सब, यू दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, अर्थात
तुम सब या केवल एक तुम या तुम सब, दोनों के लिए यू का इस्तेमाल होगा, यू का प्रयोग दोनों के लिए होगा। आई आप समझ ही जाए, वी यू बॉयज, ये प्लूरल है, लेकिन मैं आई को प्लूरल नहीं मानता। मैं जो मेरे लिए इस्तेमाल हो रहा है वो एक ही हुआ, एक वचन में मानता हूं, लेकिन प्रेजेंट टेंस में इसके साथ आई हैव डन माई वर्क, हैव का अर्थ आता है और हैव के आने के कारण इसको प्लूरल मान लिया जाता है। अब देखिए सिंगुलर और प्लूरल में क्या अंतर हुआ। यू शब्द जो है उसके साथ हमेशा आर या वर का प्रयोग होता है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो चाहे वो पास्ट टेंस हो, इसको तो प्लूरल ही मानते हैं, और है भी प्लूरल, तुम और तुम सबके लिए ये यू का प्रयोग होता है। आई के साथ वाज आता है पास्ट में, देखिए गॉड नोज, भगवान जाने इनकी क्या तरीके हैं, आई के साथ वाज पास्ट टेंस में आएगा, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव का प्रयोग होगा प्लूरल मानते हुए, और इसके साथ प्रेजेंट टेंस में एम का प्रयोग होता है, ए एम, आई एम, आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं, तो एम विशेष शब्द जो और किसी के साथ प्रयोग नहीं होता, ये क्रिया ऐसी है जो और किसी के साथ प्रयोग नहीं होती, एम। आई के साथ वाज आएगा, आई वाज, और सिंगुलर पास्ट में, आई हैव प्लूरल प्रेजेंट में, यू आर प्लूरल पास्ट प्रेजेंट दोनों में यू का प्रयोग। अब देखें किस कौन कौन सी क्रिया किस किस के साथ आती है, सिंगुलर के साथ इज और प्लूरल के साथ आर का प्रयोग होता है प्रेजेंट में, आई एम, शी इज, बॉय इज, यू आर, वी आर, He is, it is, boys are, they are, इस तरीके से इनका प्रयोग होता है। क्रिया इनके साथ कौन सी लगती है, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर क्रिया, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल क्रिया, आर प्लूरल क्रिया है, वर प्लूरल क्रिया है, इज एम दोनों ही सिंगुलर क्रियाएं हैं, आई एम, शी इज, बॉय इज, यू आर, We are, he is, it is, boys are, they are. I माने मैं, she लड़कियों के लिए आता है, वह, boy लड़का, you तुम, we हम, he वह लड़कों के लिए आता है, she लड़कियों के लिए आता है, it is boys ये यह और वह और निर्जीव चीजों के लिए आता है it, boys लड़के, Boys are, they का अर्थ होता है वे। अब इस तरीके से ये मैंने बताया आपको, इसको समझने की थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, मनन करने की जरूरत पड़ेगी। अब एक और चीज जिसमें थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट होता है सीखने वालों का शुरू में, वो होता है मी और अस, माई और आवर, क्या चीजें हैं ये समझ में नहीं आता। तो अब देखें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी का अर्थ है मुझे, ऑब्जेक्टिव केस है, यूएस, यूएस का अर्थ है हमको या हमें, माई अधिकार जमाता है, इट इज माई पेन, ये मेरा पेन है, माई माने मेरा, आवर माने हमारा, ये वी के साथ यूज होगा और ये आई के साथ यूज होगा, माई माई आई के साथ यूज होगा, अधिकार जमा रहा है, पजेसिव केस, और आवर वी के साथ यूज होगा। अब देखें अपने की अंग्रेजी, अपने की अंग्रेजी अलग अलग आएगी हर जगह, ये तो मुझसे बहुत ही पूछा गया है, ये अपने की अंग्रेजी क्या होती है, ये समझ में नहीं आती है, तो आप आज समझें कि अपने की अंग्रेजी क्या होगी, क्या लगेगी। आई लव माई मदर, मैं अपनी माता को प्रेम करता हूं, अपने की अंग्रेजी हर जगह अलग होगी। आई के साथ माई आएगी, ये मेरा है इसकी हिंदी, मेरी है, लेकिन आई के साथ
अपनी कह सकते हैं, मैं अपनी माता को प्रेम करता हूँ, वी लव आवर मदर, हम अपनी माता को प्रेम करते हैं, ही लव्स हिज मदर, वह अपनी माता को प्रेम करता है, शी लव्स हर मदर, वह अपनी माता को प्रेम करती है, दे लव देयर मदर, वे अपनी माता को प्रेम करते हैं, वे ज्यादा के लिए है, यू लव योर मदर, तुम अपनी माता को प्रेम करते हो। इस तरीके से ये जो शब्द है पजेसिव केस के, ये अपने का अर्थ दे देते हैं, लेकिन उसके साथ आई के साथ, जैसे माई है, वी के साथ आवर, इस तरीके से इसका प्रयोग होना चाहिए, तब अपनी का अर्थ देगा। अब देखें सेंटेंस को कैसे इसमें प्रयोग करेंगे। ये मैंने बताया आई एम पुअर, आई के साथ क्या आता है एम, ध्यान रखें इस बात का, प्रेजेंट टेंस में आई एम पुअर, मैं गरीब हूं, वी आर पुअर, हम गरीब हैं, तो ये फर्स्ट पर्सन के साथ यूज किया है, आई एम पुअर, मैं गरीब हूं, हम गरीब हैं, वी आर पुअर। अब यू के साथ कैसे करेंगे, यू आर पुअर, तुम गरीब हो, यू आर पुअर, यू के साथ आ रहा है, तुम गरीब हो, और इसके साथ ही शी इट दे मोहन राधा, इसमें क्या होगा, हेम माने उसे, हर माने उसे, डैम माने उनको, हिज माने उसका, ये पुरुषों के लिए यूज होगा ही के साथ या किसी के नाम के साथ, जैसे मोहन है हिज, और हर जो है वो जैसे राधा है या शी है, उसके साथ प्रयोग होगा पजेसिव, यानी अधिकार जमाने वाला। अब देखें ही इज पुअर, वह गरीब है, दे आर पुअर, वे गरीब है, मोहन या राधा इज पुअर, इस तरीके से इसका प्रयोग और आर का प्रयोग इनके साथ होगा। अब इसको देखें ही लव्स हर, ऑब्जेक्टिव केस, ही लव्स हर, वह उसको प्रेम करता है, शी लव्स हिम, वह उसको प्रेम करती है, दे लव देम, वे उनको प्रेम करते हैं, दे लव देयर सिस्टर्स, वे अपनी बहनों को प्रेम करते हैं, इस तरीके से इनका प्रयोग होगा। अब ही के साथ ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम, शी के साथ हर, दे के साथ देम, इस प्रकार से इनका प्रयोग होगा। और जो पजेसिव केस होगा तो मैंने उनको भी बताया, जैसे दे के साथ देयर होगा, यानी अपनी के लिए, जो मैंने यहां पर बताया ये पजेसिव केस है सब, अर्थात माई, आवर, हिज, हर, देयर, योर, ये सब पजेसिव में आता है। अब मैंने यहां पर एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि जो टेंस हैं, और टेंस से पहले भी और जो क्रियाएं हैं उसके बारे में बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो जो है, वो वास्तव में ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं जो बेसिक रूप से आनी चाहिए सभी को, इसीलिए मैंने बताई है, जो शुरुआत कर रहे हैं अंग्रेजी की उनके लिए तो ये बिल्कुल वरदान है, और जो अध्ययन कर चुके हैं उनको भी थोड़ा बहुत देखने की जरूरत पड़ सकती है। अब मैं एक सेंटेंस लेता हूं, जैसी कि मेरी आदत है कि एक सेंटेंस आखिर में जरूर लूंगा। सिम, जियो के सिम की आजकल बहुत चर्चा है, और वास्तव में इसने कमाल भी किया है, फ्री जो है वो डाटा इसने दिया है, और बच्चों के लिए बड़ा लाभकारी हो गया, इससे लोग मेरी वीडियोज भी देख पाते हैं, तो मैंने इस पर ही एक सेंटेंस बना दिया है। जियो के सिम ने मोबाइल फोन की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी है, जियो के सिम ने मोबाइल की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी है, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, तो ये मैंने इसमें लिखी है, द सिम ऑफ जियो, द सिम ऑफ जियो हैज ब्रॉट अबाउट ए न्यू रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन माने क्रांति, द सिम ऑफ जियो हैज ब्रॉट अबाउट ए न्यू रिवॉल्यूशन, जियो के सिम ने मोबाइल की दुनिया में
एक नई क्रांति ला दी है, अर्थात इन द वर्ल्ड ऑफ मोबाइल फोन सेट्स, इन द वर्ल्ड ऑफ मोबाइल फोन सेट्स, शुरू में भी लिख सकते हैं आखिर में भी लिख सकते हैं, इन द वर्ल्ड ऑफ मोबाइल फोन सेट्स, अर्थात मोबाइल की फोन की दुनिया में इसने एक नई क्रांति ला दी है। द सिम ऑफ जियो हैज ब्रॉट अबाउट ए न्यू रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड ऑफ मोबाइल फोन सेट्स, अर्थात आप कहीं भी खड़े हों तो उसको चला करके देख सकते हैं। इस प्रकार से जियो के सिम को, सिम वालों को, अम्बानी जी को मैं धन्यवाद करता हूँ इसके लिए कि वो बहुत बड़ी उपलब्धता इसकी बढ़ा दी है मोबाइल फोन्स की। इससे नई नई जानकारियाँ हम प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं आती तो हम उससे देख सकते हैं। तो ये है आज की वीडियो अनुवाद की। यदि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। God bless you. Thank you very much.